मसूरी में माल रोड के सुधारीकरण के लिए हो रहे निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिससे मलबा लेकर जा रहा ट्रक अचानक रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरा, जिस पर कांग्रेस ने निर्माण कंपनी की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं और जांच की मांग की है। मसूरी के माल रोड पर चल रहे सुधारीकरण के दौरान कई जेसीबी मशीनें और ट्रक कार्य कर रहे हैं। ऐसे में माल रोड से लाइब्रेरी की ओर जा रहा ट्रक अचानक धसने से बेकाबू हो गया, जिससे वो 60 मीटर नीचे दूसरे मुख्य मार्ग पर जा गिरा और वहां खड़े वाहन भी ट्रक की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आई है। गनीमत रही कि इस दौरान वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस दौरान एक अधिकारी सामने आए, लेकिन वो बयान देने से बचते रहे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि लगातार माल रोड पर हो रहे कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग आम लोगों की जान से खेल रहा है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना है, इससे विभाग को सबक लेना चाहिए। ये बहुत दर्दनाक घटना है। आज तक इतिहास में कभी माल रोड से कभी भी कोई ऐसा ट्रक नीचे नहीं गिरा। ये गुणवत्ता पे सवाल खड़े हो रहे हैं, माल रोड की जो सौंदर्यकरण किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता पे सवाल हो रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि माल रोड पे आए दिन कभी स्कूटी गिर रही है, कभी किसी का हाथ टूट रहा है, कभी किसी का पैर टूट रहा है। किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की है। कार्य भले ही किया जा रहा है, लेकिन कार्य से जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। कहीं भी ऐसी रोकथाम नहीं की जा रही है सुरक्षा की दृष्टि से, जिससे लोग वहाँ सुरक्षित रहे। तो आए दिन वहाँ चोट भी लग रही है, और आज तो आपके सामने है कि एक बड़ा लोडर ट्रक जो खुद उस कार्यदायी संस्था का था वो खुद गिर गया, और जो ड्राइवर है वो भी गंभीर रूप से घायल है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, और जो माल रोड की जो दुर्दशा है, जो गुणवत्ता पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको उसकी भी जांच की जाए, और माल रोड का जो कार्य है वो अतिशीघ्र पूरा किया जाए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।